अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला मॉडल जिसका नाम है वेस्लीज एंड मैकलीन्स मॉडल। पहली बात, वेस्लीज और मैकलीन्स कोई नाम नहीं होते। वेस्ली के आगे अपोस्ट्रोफी एस है और मैकलीन्स के आगे अपोस्ट्रोफी एस है, इसे एक नाम मत लिखना, इसके नंबर पे नहीं। उसके बाद ये है इनका बेसिक सा डायग्राम। ये मॉडल वैसे काफी इजी है, अब मैं किस तरीके से इजी बताता हूँ वो देखो। सबसे पहले ए सोर्स, सी चैनल, बी रिसीवर। इसमें एसीबी का कंसेप्ट चलता है। एसीबी का कंसेप्ट कैसे चलता है, पहली बात अगर मैं कोई सोर्स या सेंडर हूं तो मुझे एक आप इमेजिन कर सकते हैं मीडिया रिपोर्टर के तौर पे। एक रिपोर्टर अपनी डेली लाइफ में चलता है, आप लोग घर से यहाँ तक आए, कॉलेज तक आए, उस बीच में आपके साथ बहुत सारी घटनाएं हुई, मम्मी ने मारा, दूध का ग्लास खत्म मिला, रास्ते पे कोई पड़ा मिला, बोर्ड किसी चीज का अलग मिला, आते हुए कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे कोई नोटिस देख लिया, क्लास के अंदर बैठे हो कुछ अलग घटना हो गई, ये सब ठीक है। तो ये होते हैं आपके X1, X2, X3, X4, X5, X6 X1 से लेकर X6 तक, इसे कहते हैं सेंसर एक्सपीरियंस। मतलब जो हम एक्सपीरियंस करते हैं अपनी डेली लाइफ में, या हमने अगर किसी इवेंट पे गए हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं रणवीर दीपिका की वेडिंग का एग्जांपल ले लीजिए, वहां पे बहुत सारे वो गए होंगे, रिपोर्टर्स गए होंगे और रिपोर्टर्स ने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की होगी, लेकिन उसमें से कुछ एक आध चीजें ऐसी होंगी जो उनके दिमाग में चल गई, ठीक है। जैसे कि बेसिक उनकी फोटोज हो गई या कुछ ऐसी चीजें, उनकी फैमिली के साथ, उनके फ्रेंड्स के साथ उनकी फोटोज, तो उन्हें हम कहते हैं X6 = XX। ये होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन। ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन वो चीजें हैं जो हमारे दिमाग में बैठ चुकी हैं। मतलब हम किसी जगह पे गए, हमने इतनी सारी चीजें देखी, उसमें से कुछ चीजों ने हमारा ध्यान अट्रैक्ट किया और वो हमारे दिमाग में बैठ गई, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन। ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन के बाद आता है हमारा फीडबैक का पूरा सिस्टम। देखो इसके अंदर ए था सोर्स, सी था चैनल, बी था रिसीवर, और ये थे सारे के सारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस, और ये इसके पास गए ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन बनकर। इनमें से कुछ लिए हैं, पहली बात सारे के सारे नहीं लेगा। अगर मेरे साथ छह घटनाएं हुई हैं तो मैं छह के छह पे तो मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, सीधी सी बात है। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ रास्ते पे तो उस पर ध्यान गया होगा मेरा, ना कि इस पे गया होगा कि मेरे बगल वाले ने कौन सा गाना सुना, ठीक है। इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है इसकी, इसके अंदर जो रिसीवर है वो अपना फीडबैक चाहे तो डायरेक्टली सोर्स को भेज सकता है या सेंडर को भेज सकता है या फिर चैनल के थ्रू भेज सकता है। डायरेक्टली कैसे भेज सकता है, डायरेक्टली ऐसे भेज सकता है कि अगर आप कोई ऑथर है, आपने कोई बुक लिखी है, तो ही और शी हु विल बी द रिसीवर कैन डायरेक्टली अप्रेज योर राइटिंग इन अ मीटिंग, इन अ सेमिनार, आप कहीं भी उनसे मिलते हैं किसी भी हॉल में, कहीं पार्टी में, तो वो डायरेक्टली आपको अप्रेज कर सकता है कि भैया आपने ये किताब बहुत अच्छी लिखी थी, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। इसे कहते हैं डायरेक्ट फीडबैक देना, वी से ए को। और अगर हम चैनल के थ्रू देखें तो चैनल के थ्रू आपको चिट्ठी लिख सकते हैं, ड्राफ्ट कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, फलाना फलाना फलाना। तो ये होता है डायरेक्ट फीडबैक और इनडायरेक्ट फीडबैक का सिस्टम इसके अंदर। अगला मॉडल आएगा अब जॉर्ज गर्वनर्स मॉडल, उसको भी ध्यान से पढ़ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।